कांकेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एनडीटीवी पर एनकाउंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आपको बताते चले कि कल सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर हुए थे। 25 लाख के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया। मुठभेड़ में ढेर 29 नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। नक्सलियों से मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए हैं। घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मुठभेड़ में शामिल जवानों को सीएम ने बधाई दी है। तो वही तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, इस मुठभेड़ की ये तस्वीरें हैं जहाँ जो कि एनडीटीवी पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताते चले कि बीते दिन ये मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि 29 नक्सली ढेर हुए हैं और इन 29 नक्सलियों के आंकड़ा भी बढ़ सकता है। हालांकि इनमें से कुछ की अभी पहचान नहीं हुई है, अभी सभी की जाँच की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है और साथ ही साथ इस पूरे मुठभेड़ में 7 AK-47 बरामद की गई है और वहीं 3 नक्सली घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। घायल जवानों से जो कि घायल जवान हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है। उनसे डिप्टी सीएम ने मुलाकात की, मुलाकात के दौरान उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ हौसला बढ़ाया। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय द्वारा भी जवानों को बधाई दी गई है। कहा गया कि काफी हौसलापूर्ण ये कार्य किया गया है जवानों द्वारा। 29 नक्सली ढेर हुए थे और उन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। 25 लाख के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया है। 3 जवान के घायल होने की खबर है। तीनों ही जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी जवानों का इलाज जारी है और ये तस्वीरें एनडीटीवी पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मुठभेड़ की ये तस्वीरें हैं जब ये किस तरह से जवानों के द्वारा पहुंच कर आराम से आड़ लेते हुए नक्सलियों को मार गिराया गया। लंबे समय से ये परेशानी चली आ रही है। हालांकि अगर फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। कांकेर में दूसरे चरण में चुनाव है तो वहीं पहले चरण में बस्तर में होना है और ऐसे में बस्तर की व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा व्यवस्थित कर ली गई है ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। आड़ लेते हुए तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। आराम से आड़ लेते हुए हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। आराम से आड़ लेते हुए हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। आराम से आड़ लेते हुए हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें नक्सल कमांडर शंकर राव और ललिता माड़वी समेत 12 नक्सली मारे गए थे पहले, बाद में फिर उसकी अपडेट हुई और अपडेट के बाद अब टोटल 29 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। बता दें कि अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस मुठभेड़ के सामने आई है।
हाँ पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की। और निलेश, तस्वीरें भी अब एक्सक्लूसिव आ चुकी है मुठभेड़ के दौरान की, और जिस तरह से अब आपने पहले भी बताया कि व्यवस्थाएं काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था। अभी फिलहाल चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये समय कितना ज्यादा नाजुक है। बिल्कुल नाजुक समय है। 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो चुनाव जिस दिन था, मतदान जिस दिन था, उसके 11 अप्रैल को मतदान था और 9 अप्रैल को एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया था नक्सलियों ने। और जो बस्तर में इकलौते विधायक थे बीजेपी के, भीमा मंडावी, उनका आईडी ब्लास्ट करके हत्या कर दी थी और उसमें 5-4 अन्य लोग भी जो उनके सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो उस लिहाज से भी, और इसके अलावा भी हम विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो चुनाव से एंड पहले एक बीजेपी नेता के नारायणपुर में हत्या कर दी गई थी बाजार में, जब वो चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे। और इसके अलावा आम नागरिकों को भी जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको भी धमकियां मिलती रहती हैं कि लोकतंत्र पर विश्वास न करो। उस लिहाज से चुनाव हर वक्त बस्तर में नाजुक होता है। और चुनाव को लेकर ये कहा भी जाता है कि बस्तर में चुनाव कराना यानी कि जंग लड़ने जैसा ही होता है। जैसे कि जो तस्वीरें कल परसों से हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, उसमें देखेंगे कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले से हेलीकॉप्टर से मतदान दल को रवाना किया जा रहा है अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ। सोचिए जहां पर 3-4 दिन पहले पोलिंग बूथ तक भेजने की कवायद की जा रही हो, वो भी हेलीकॉप्टर से दल जा रहा हो, तो वो कितना दुर्गम स्थल होगा और उसमें सड़क मार्ग नहीं है, फिर वहां पर चुनाव कराना और चुनाव करा के वापस भी लौटना। क्योंकि विधानसभा चुनाव की एक घटना मैं आपको बता दूं कि गरियाबंद से, जो भी नक्सल प्रभावित जिला एक और है, हालांकि वो बस्तर संभाग का हिस्सा नहीं है, लेकिन गरियाबंद जिला जो है वहां से भी वापसी लौटते समय हमला कर दिया था नक्सलियों ने, आईडी ब्लास्ट कर दिया था जिसमें एक जवान की शहादत हुई थी और कई कुछ लोग घायल हुए थे। बस्तर में भी इस तरह की घटना है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, खासकर कोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं जिसमें बस्तर, राजनांदगांव, कबीरधाम, गरियाबंद जैसे जिले हैं, उन जिलों में चुनाव कराना अपने आप में एक जंग लड़ना भी है और वो जंग जीतना भी सबसे बड़ा चुनौती होता है कि जंग जीत कर वापस मुख्यालय तक आ जाए। तो ये एक नाजुक क्षण तो है ही है बस्तर के लिए और काफी हाई अलर्ट मोड वाला क्षण भी है क्योंकि लगातार नक्सलियों की जो बड़े घटना है और वो साजिश वो नाकाम हो रही है। लेकिन इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी साजिश रच कर बैठे हैं नक्सली, क्योंकि सुकमा में एक जखीरा पकड़ाना हथियारों का करीब 15 दिन पहले बड़े पैमाने पर, उसमें ऑटोमेटिक हथियार और ऐसे करीब 5 किलो के ब्लास्ट करने के आईडी के सामान, ये सारे पकड़ाते हैं। और उसके बाद कांकेर में इतनी बड़ी मुठभेड़ होती है जिसमें AK-47 और जैसे बड़े ऑटोमेटिक हथियार पकड़ाते हैं, नक्सलियों के शौक के साथ साथ बरामद किए जाते हैं। तो ये जरूर चिंताजनक भी बात है और हाई अलर्ट मोड चौकन्ना रहने वाली भी बात है चुनाव से पहले। अस्मिता, बिल्कुल निलेश, क्योंकि इससे पहले बार बार यहाँ पर बातचीत होने की बात कही जा रही थी लेकिन वो बातचीत सही ढंग से हो नहीं पाई और ये फिर बड़ी मुठभेड़, आखिर इसको क्या माना जाए? देखिए, जब से नई सरकार बनी या इसके पहले की भी सरकारों की बात कर लें तो उसमें हर वक्त बातचीत का रास्ता सरकारों ने खोला रखा है नक्सलियों के लिए। लेकिन जैसा कि हम एक्सक्लूसिव बातचीत विजय शर्मा के साथ जो किए थे 3 दिन पहले, जिस इंटरव्यू जो आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा कि देखिए रास्ता हर तरह से खुला है, अगर कोई वो समूह में आकर बातचीत करना चाहे तो हम उसके लिए तैयार हैं, अगर वो कुछ ग्रुप के छोटे समूह में आना चाहे तो भी तैयार हैं, और सिंगल एक व्यक्ति भी कोई आके बातचीत करना चाहे और आना भी ना चाहे, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करना चाहे तो भी हम तैयार हैं। एक रास्ता ये खुला है। दूसरा, उनका ये भी स्पष्ट कहना था कि फोर्स नहीं रुकेगी, फोर्स जाएगी, अंदर तक घुसेगी और जहां पर भी मिलेंगे नक्सली उनसे अगर मुठभेड़ होगी तो उनको मारा भी जाएगा। उस वो फोर्स का जो काम है फोर्स अपना करेगी, सरकार का जो काम है सरकार अपना कर रही है। सरकार बार बार प्रस्ताव दे रही है कि आप आ जाओ, मुख्य धारा से जुड़ जाओ, मुख्य धारा से जुड़ोगे तो आपको लाभ भी है सरकार की नीतियों के तहत, और सरकार उन इलाकों में जिसकी बात आप कहते हो कि जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखना, वहां विकास करवाना, वो काम सरकार भी करना चाहती है। तो सरकार भी जब वही काम करना चाहती है तो आप संविधान पे भरोसा क्यों नहीं जताते हो? ये स्पष्ट वक्तव्य था, स्पष्ट जवाब था गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा का हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में, जो हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। तो इस सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है कि अगर जहां पर बातचीत होगी वहां बातचीत का भी रास्ता खुला है, जहां जरूरत है मुठभेड़ करने की, जहां जरूरत है घुसकर मारने की वहां घुसकर मारेंगे भी, जहां जरूरत है विकास पहुंचाने की वहां विकास भी पहुंचाएंगे। ये स्पष्ट नीति फिलहाल सरकार की नजर आ रही है। बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया नीलेश, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो बातचीत होनी है, उस बातचीत पर आगे कहीं ना कहीं जो अमल होना था, उसके बजाय यहाँ पर मुठभेड़ देखने को मिली। 29 नक्सली ढेर हुए हैं। और आइए सुनाते हैं आपको कि एएसपी कांकेर मनीषा ठाकुर इस पर क्या कुछ कहती हैं, उस पूरे कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रही हैं। वर्तमान में जिला अस्पताल कांकेर में ये सभी बॉडीज हैं और इसमें जो विवेचना की अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनकी टीम के साथ में ये पूरा कार्रवाई होना है और जितने नियम हैं उनके आधार पर ये कार्रवाई लगातार की जा रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें पंचनामा भी होना है। पीएम होगी और डॉक्टर एक्सपर्ट्स हमारे साथ में, एफएसएल की टीम भी है और एफएसएल एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में वो पूरी कार्रवाई होनी है और उसके आधार पर शीघ्र ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और वहीं ऐसे एनकाउंटर को लेकर डीआईजी आलोक सिंह का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लेते हैं। दो दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके अलावा जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अपनाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफ़ी स्टीप हैं और उन पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की। तो वहीं नक्सलियों उन्हें एनकाउंटर पर बस्तर के आईजी पी सुंदर राज का बयान भी सामने आया है। आईजी ने कहा है घटनास्थल से नक्सलियों की बॉडी और हथियार बरामद किए गए हैं। घायल हुए 3 जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। आसपास के इलाकों में सर्चिंग जारी है। बिना गुंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बन 303 एवं काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्यूनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में री इन्फोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। तो एनकाउंटर में घायल जवानों से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान एनकाउंटर में घायल जवान मूंछ पर ताव देते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनकी तारीफ की, उनके हौसला बढ़ाया और उनके हौसले की भी तारीफ की, साथ ही साथ बधाई देते हुए नजर आए, क्योंकि बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। और ऐसे में जवानों की सेहत पर भी खास नजर रखी जा रही है। जल्द से जल्द इन्हें ठीक करने की कोशिश जारी है।